मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की प्रगति की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के वी एन पांडेन की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सरोजीत सिंह, एसडीएम गोला अरुण सिंह, बीएसए बीएन सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में सभी पात्र लाभार्थियों का अधिक से अधिक संख्या में ऑनलाइन आवेदन करवाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना शासन की प्राथमिकताओं में से है। जिलाधिकारी ने बताया कि सुमंगला कन्या योजना 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा लखनऊ से औपचारिक लॉन्चिंग किया जाना प्रस्तावित है, जिसका प्रसारण जिलों में जनपद के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आहूत होगी। उन्होंने बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2019 से शासन द्वारा लागू की गई है। योजना के संबंध में गोरखपुर न्यूज के माध्यम से और अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी के वी एन पांडेय ने बताया। को माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी लॉन्चिंग करेंगे और उसका प्रसारण प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में सभी जिले में उसके पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाना पड़ेगा, जिससे कि हमारे बीडीओ और हमारे एसडीएम उसको अप्रूव करके फॉरवर्ड कर पाए। जो संबंधित विभागों को दी गई थी इसमें आवश्यकता ये है कि आप लोगों के कुछ नोडल लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल डीपीओ ने नीचे पास ऑन नहीं किया क्योंकि सीधे लाभार्थियों से जो संपर्क है वो सुपरवाइजर का नहीं है, वो तो आवश्यकता ये है कि उनको पहले पता रहे इस शासनादेश के बारे में और इसके बारे में कि लाभार्थी जब ब्लॉक पे कॉमन सर्विस सेंटर पे जाए अपना फॉर्म भरने के लिए, जिससे कि एक बार में ही उसका काम हो जाए और फॉर्म फिलिंग टू क्रिएट है, ये अपने आप में एक रिफ्लेक्ट करता है कि लोग आधी तैयारी से जाते हैं इस वजह से रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें इस चीज़ को अगले हमारे पास बहुत कम समय है, हमें जो आंगनवाड़ी आशा ये और हरेक जो स्कूल है उसके एक एक अध्यापक, इंटर कॉलेजेस जो है उसके एक एक कोऑर्डिनेटर और अगर कोई उच्च शिक्षा का कोई संस्थान है तो उसका एक एक वहाँ पे जो भी उनका एक प्रतिनिधि है उनको हमें ब्लॉक स्तर पे और पीओ के स्तर पे हमें उसकी ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। ट्रेनिंग का पूरा करते और उसके बाद अगले जो दो तीन दिन हमारे पास बचे उसमें इंश्योर कराना है कि ब्लॉक स्तर पे और कॉमन सर्विस सेंटर के स्तर पे बिल्कुल कैंप लगा के युद्ध स्तर पे हमें फॉर्म भरना है, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 11 तारीख तक जो फॉर्म फिलिंग होनी चाहिए वो लगभग 10 से 12 हज़ार की फॉर्म फिलिंग होनी है सभी ब्लॉकों में मिला के, सभी ब्लॉक नगर पालिका मिला के लगभग 12 हज़ार की फॉर्म फिलिंग होनी है, क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी अब धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं। देवरिया आज से कुछ दिनों पहले हमसे बहुत पीछे था, हमसे लगभग आधे की संख्या में था और आज हमसे लगभग 1.5 गुना आ गया। तो आवश्यकता ये है कि हम लोग भी इस चीज़ में तेजी आए। हमने डॉक्टर या तो आप प्रधान कोटेदारों को मिला लीजिए और वैकेंसी पे आप संबंधित एक एक टीचर को नोडल बना के आप उसकी ट्रेनिंग करा दीजिए। सभी एजेंसीज को ट्रेनिंग मिली हुई है लेकिन उन्होंने उसको पास ऑन नहीं किया। कन्या सुमंगला योजना है माननीय मुख्यमंत्री जी माध्यम से ये लॉन्चिंग होने जा रही है अभी जल्दी। फिलहाल जो 14 तारीख का डेट टेंटेटिव है हम लोग का, यानी 11 तारीख का डेट टेंटेटिव है और इस पे जो बच्चे जन्म लेते हुए वो कॉलेज जाने तक का जो है विभिन्न स्टेज में इन लोग का फ़ायदा मिलेगा। यानी तो 15,000 तक का एक बेटी को पैसा मिलेगा, जन्म लेते हुए उनका खाता में एक रकम चले जाता है, उसके बाद एक साल टीकाकरण करने के बाद एक रकम चले जाता है, कक्षा 3 खत्म होने के बाद एक रकम चले जाता है, फिर कक्षा 6 में, कक्षा 9 में, फिर इंटर में जाने के बाद अलग अलग स्टेज में वो बच्चे का एक तरफ मॉनिटर करते हैं, उसी के हिसाब से वो पैसा भी उनके खाते में चले जाता है। तो पहले ये जो लड़की का बोझ समझते हुए जो घर में थोड़ा भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए सरकार ने ये पहल किया है। हम लोग जनपद में भी इसको आज मीटिंग किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं प्रदेश में सबसे अव्वल में हम लोग रहेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग टारगेट दिए हैं, सभी विभाग लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी 11 तारीख को उसको लॉन्चिंग भी कर रहे हैं। अभी फिलहाल यार 1,000 का रजिस्ट्रेशन हुआ है, अभी हम लोग सारे मशीनरी अभी लगा दिए ताकि बीच में साइट ख़राब था, अभी साइट अभी फंक्शन करना चालू हो गया है। हम लोग 10 अक्टूबर तक का अधिकतम कितने कर सकते हैं उतने के हिसाब से करा रहे हैं। ये रजिस्ट्रेशन बहुत सरल है। आप मान लीजिए जो भी मान लीजिए जन्म देने के बाद जो उनका बर्थ सर्टिफिकेट है और आधार का यदि माँ बाप का आधार है जो भी है, फिर बैंक का खाता जॉइंट खाता जो भी है इनका अभिभावक का, ये तीनों चीज़ के साथ
फर्स्ट रजिस्ट्रेशन तो जन्म लेते हुए हो जाएगा, उसके बाद एक साल टीकाकरण करने के बाद टीकाकरण के कार्ड मिलता है उसको साथ स्कैन करके किसी भी कंप्यूटर सेंटर में देना होगा। उसके बाद फिर BSA मान लीजिए स्कूल पढ़ने वाले बच्चे का एक वहाँ का टीचर, सरकारी टीचर जो भी टीचर प्रमाणित करके दे देंगे, उसी के भी साथ लगा करके आधार लग करके फिर फीड करेंगे, वो मिल जाएगा। उसी टाइप का कहाँ कहाँ किस संस्था में उन लोग यदि पढ़ते हैं नहीं तो जन्म लेते हैं उसी के एक प्रमाण पत्र चाहिए। उसी के साथ केवल अभिभावक का सेल्फ डिक्लेरेशन होता है, ज़्यादा कहीं दौड़ने की ज़रूरत नहीं, आपने सेल्फ डिक्लेयर करें 3 लाख के नीचे आपने आए हैं, सालाना आए 3 लाख के नीचे होना चाहिए था, वो बस सेल्फ डिक्लेरेशन करा के दे दें, फिर उनका पैसा अपने खाता में आने लगे।